सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यू टेक इजी। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप अपने पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम आदि जो भी आप यूज करते हैं उसकी डिटेल्स कैसे निकाले, उनकी डिटेल का कैसे पता चले। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या कि जो मैंने कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट पर इतनी रैम, और या फिर जो भी मैंने पार्ट्स बताया कि सीपीयू या फिर टेक्नोलॉजी, ये जो भी बताए हैं, लोगों का पूछना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप आप हम यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सी रैम है, कौन सा सीपीयू है, कौन सा ग्राफिक्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा विंडो है, या फिर और अदर डिटेल्स जो कि कहीं नहीं मिलती। जैसे टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही कम मिलती है, कितनी नैनोमीटर पर ये चलती है वो बहुत ही कम मिलती है। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप ये मात्र एक क्लिक में ही जान लेंगे कि आप कैसे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप है उसकी रैम क्या है, रोम क्या है, ग्राफिक्स क्या है, उसकी रेजुलेशन क्या है, उसकी हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, उसका जो आपने कितने स्लॉट्स में रैम डाल रखी है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 32 बिट है या 64 बिट है। ये जरूरी है दोस्तों, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आपको अपने पीसी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई आपसे पूछे कि आपका पीसी में कौन सी रैम है तो आपको पता चल जाए कि इस रैम के अकॉर्डिंग आपके लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा। आप ये रैम कम हो तो आप ये बढ़वाइए, ये इतनी रैम है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों देख लेते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है SPS सेटअप 132, ये नंबर जो है वो चेंज आ सकते हैं पर SPS आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आप इस लिंक पर क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह का सेटअप आएगा, आप इस तरह से इसको सेटअप कर लीजिए। सेटअप बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर को सेटअप करते हैं उसी तरह से सेटअप होगा। देखिए दोस्तों मैं इसको सेटअप करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से सेटअप हो रहा है जैसे सभी सॉफ्टवेयर सेटअप होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल न्यू टेक ईजी को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सेटअप होगा, रन स्पाइस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से रन हो रहा है, किस तरह से इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल होने के बाद में ऑटोमेटिक ही आपको इस तरह से जानकारी दे देगा, ये ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। दोस्तों ये ओपन होते ही देखो इस तरह से आपकी रैम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसको भी कैलकुलेट कर रहा है, क्या है रैम वगैरह सीपीयू जो भी आप इंफॉर्मेशन देखना चाहिए वो सारी आपकी वो कैलकुलेट कर रहा है ये। तो दोस्तों जैसे आप सेटअप करोगे तो इसका आइकन इस तरह के आएगा, इस तरह को ओपन करते ही आपको इस तरह से दिखा देगा। दोस्तों जो मेरा विंडो है वो विंडोज 10 64 बिट है, और इसमें भी इंफॉर्मेशन जो है कैलकुलेटिंग हो रही है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हैं, मदरबोर्ड देख सकते हैं, रैम देख सकते हैं, सीपीयू देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप नेटवर्क के बारे में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स, स्टोरेज, ऑप्टिकल ड्राइव्स, ऑडियो, थोड़ा सा टाइप देख सकते हैं, अपने पीसी की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये आ गई मेरी जो इंटेल जो ग्राफिक्स थी 52 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो सीपीयू है उसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है, इंटेल के लिए रोन का ये जो सीपीयू है, 4 GB में रैम है जो एक ही स्लॉट में है, मदरबोर्ड आप देख सकते हैं मदरबोर्ड की जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो ग्राफिक्स है इंटेल ग्राफिक्स आप देख सकते हैं जो रेजुलेशन है वो 1366x768 हर्ट्ज की है, और इंटेल एचडी ग्राफिक्स इसमें इंस्टॉल्ड है, और जो 465 GB जो मेरी है वो स्टोरेज है, ऑप्टिकल ड्राइव्स HP ऑप्टिकल ड्राइव्स जो DVD ड्राइवर है वो है, और ऑडियो है रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो। और बात कर लेते हैं अब सीपीयू की, जो सीपीयू है आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा ये टेक्नोलॉजी
जो कि 22 नैनोमीटर मेरे जो लैपटॉप है उसकी है, ये जानकारी बहुत ही कम सॉफ्टवेयर से आपको देंगे, बहुत ही कम आपको मिलेंगे। नहीं, पहले बात तो आप किसी डायरेक्टेशन देख ही नहीं सकते, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल रही है, टेम्परेचर देख सकते हैं और थेरिट देख सकते हैं, मल्टीपर्पल देख सकते हैं, स्पीड को कोर स्पीड देख सकते हैं। इस तरह से देखिए कोर 2 है मेरा, और जो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वो 22 नैनोमीटर पर है, कोड नेम बाय ट्रेल एम है मेरा, मॉडल जो है वो 7 है, और जो आप इंटेल का ये सीपीयू है जो मेरा, इस तरह से आपको ये सारी जानकारी धीरे धीरे हर एक बात की जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ से, ग्राफिक्स से मदरबोर्ड सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, मॉडल नंबर वगैरह जो भी आपका कोर है वो, यहाँ से रैम आप देख सकते हैं, मेमोरी के बारे में सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जिससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे आप अपने सीपीयू की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, अपने सीपीयू सॉरी आपका जो कंप्यूटर है लैपटॉप उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, किसी अच्छे लक्ष्य के साथ। दोस्तों पहली एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप, मैं 15 अगस्त से जो अंग्रेजों ने हमारे देश की छवि बिगाड़ी थी उसे सुधारने जा रहा हूं। मेरा मतलब है कि मैं आपको फोटोशॉप के बारे में बताऊंगा, हर एक से एक हाई डेफिनेशन फोटो को एडिट करना, हाई डेफिनेशन में उसको एडिट करना, कट करना, पेस्ट करना, जो भी है हर एक तरीके से जो कि स्टूडियो करता है उस लेवल का मैं आपको फोटोशॉप एडिटिंग सिखाऊंगा। फोटोशॉप के हर एक ऑप्शन के बारे में, उसकी गहराई के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में कोरल ड्रॉ की सीरीज स्टार्ट करूंगा, पहले फोटोशॉप की सीख लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आपको सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी दूंगा, टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाऊंगा, और टेक्नोलॉजी की गहरे नॉलेज को भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।